मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पार्ट एक की एक किरण कविता पढ़ ली होगी, याद की होगी और इसके श्रुतलेख, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर ये सारा कर लिया होगा। और नहीं किया हो बेटा तो वो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आज हम पार्ट दो चालू करेंगे। पार्ट दो जो है वो है पेड़ की कहानी। क्या है पार्ट दो? पेड़ की कहानी। बच्चों, आपको इस कहानी में ये जो गुलाबी शब्द नजर आ रहे हैं इनको आपको अलग से लिखना है, क्योंकि ये श्रुतलेख वाले शब्द हैं और आपको ये शब्द कठिन भी लगेंगे। अगर पाठ में आपको कोई और शब्द भी कठिन नजर आते हैं तो आप उनको भी श्रुतलेख में लिख लेंगे। चलिए मैं कहानी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। आप भी अपने अपने बुक्स ओपन कर लीजिए। मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। टहलने का मतलब होता है घूमना। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। सुहावना का मतलब मौसम बहुत अच्छा था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। जब पेड़ बेटा हवा चलती है ना तो पेड़ हिलते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा। सहसा का मतलब होता है अचानक। बोल पड़ा, वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। क्या बोला रवि? वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। पेड़ होते हैं, वहाँ हरियाली होती है, ठंडक होती है, हवा चलती है और उनसे हमें जीवन भी मिलता है। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। यहाँ बहुत सारे बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? है ना, ऐसी बात पेड़ ने किससे कही? रवि से। कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? रवि खुशी खुशी से कहानी सुनने को तैयार हो गया। देखो बच्चों, जहाँ पे भी हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें उन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, उनके पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, उनसे फूल नहीं तोड़ना चाहिए। जैसा दर्द हमको होता है वैसा दर्द पेड़ों को भी होता है। सहमति पाकर, सहमति का मतलब जब रवि ने हाँ किया तो पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं, तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। मुग्ध हो रहे हो मतलब तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, तुम बहुत अच्छे से देख रहे हो पेड़ों को और तुम बहुत खुश हो रहे हो। जानते हो, हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल नन्हे बीज थे, फिर इस बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहां अंधकार में पड़े पड़े हम ऊब गए थे। फिर एक हमारे ऊपर वर्षा का पानी गिरा। एक बार हमारे ऊपर वर्षा का पानी गिरा, पानी पाकर हमारी नींद टूट गई। ये पेड़ बेटा कहानी सुना रहा है। आपने भी देखा होगा कि जब हम पेड़ उगाना होता है तो पहले हमें क्या करना होता है? मिट्टी में एक बीज डालना होता है, उस बीज को हम पानी देते हैं, फिर वो बीज उगता है। तो पेड़ ने क्या बोला कि एक दिन हमारे ऊपर वर्षा का पानी गिरा, पानी पाकर हमारी नींद टूट गई और प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए। शीतल का मतलब ठंडक मिली हमको, हम ठंडे हुए और छोटे छोटे अंकुरों के रूप में बाहर झांकने लगे। बाहर झांकने से मतलब हम जमीन के बाहर आए। जब हम भूमि के अंदर थे तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी
बहुत इच्छा थी। अब वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। जब पेड़ होता है उसके लिए पहले बीज हम जमीन में डालते हैं, फिर उसमें से अंकुर फूटता है, फिर अंकुर में से आपने देखा होगा छोटे छोटे दो पत्ते निकलते हैं और फिर उन पत्तों से छोटे छोटे पौधे बनते हैं। धूप वर्षा सर्दी झेलते हुए हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय, विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़े पेड़ बन चुके हैं। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हम लोग बेटा कौन सी वायु छोड़ते हैं? हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग लेते कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम मनुष्य लोग ग्रहण करते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं लेकिन लोग पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। लोग क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं, पेड़ की लकड़ियां बेच देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपए तो जरूर कमाए जा सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। स्वास्थ्य की हानि कैसे होगी? जब पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पेड़ हमको सांस लेने के लिए कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी, जब पेड़ कट जाएंगे तो हम सांस कैसे ले पाएंगे? और जब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जीवित कैसे रह पाएंगे? तो पेड़ों को हमें हमेशा बचाना चाहिए। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा में हम अपने तन को भी कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। पेड़ की मृत्यु का मतलब क्या होता है? जैसे पेड़ जब कट जाता है तो कटने के बाद में पेड़ के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो किसी ना किसी रूप में काम में आते हैं। हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों, अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कम ना होने दें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल और वायु के लिए भी तरस जाएंगे, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो बेटा, हम जो सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, वो भी हमें कहां से मिलती है? पेड़ों से। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा की, मैं हर रविवार एक पौधा लगाऊंगा और नियम पूर्वक सबकी देखभाल करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो तो जब भी तुम्हें समय मिले अपने पास के किसी बाग में जाओ और पौधे लगाओ। पौधे लगाने व इनकी देखभाल करने में बाग का माली तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। हमें पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमारे मित्र हैं और पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। आप कभी अपने बगीचे में जाइए और देखिए, अगर आपके यहाँ बगीचा नहीं है तो आपके पड़ोस में होगा, किसी भी पार्क में जाइए और देखिए कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। पेड़ हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, और भोजन में जो हम खाना खाते हैं, जितनी भी वो चीजें हैं वो भी सारी हमको पेड़ों से ही प्राप्त होती है। तो बच्चों, आपको इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। और इसके शब्दार्थ देखिए, आपको नजर आ रहे हैं? ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सारे शब्दार्थ आप कॉपी में लिखेंगे और शब्दार्थ को लिख के याद करने का आपको अभ्यास करना है। किताबें आप सबके पास आ गई होंगी तो आप किताब में से इस पाठ से कम 3 बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।